चीज़ ऑमलेट अगर आपने 10 मिनट खा लिया तो आपको मिलेंगे पूरे 50,000 रुपये। अच्छा जी। हाँ जी, गारंटी के साथ। आपने 10 मिनट खा लिया, 10 मिनट में अगर आपने चीज ऑमलेट खा लिया तो 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये। कितने अंडों का ऑमलेट है ये? ये 15 अंडों का ऑमलेट है। 15 अंडों का ऑमलेट। तो भाई ये बनने जा रहा है यहाँ पे 15 अंडों का चीज स्पेशल ऑमलेट राजीव भाई का। तो ये देखो पूरी की पूरी जाती है इसमें, पहले मक्खन की टिक्की। और भाई रह गया 15। 15 अंडे भाई, पूरे के पूरे 15 अंडे। और अब इसको किया जाएगा बढ़िया से फिटाई। ये देखो तो भाई अंडे वहाँ पे बढ़िया से फेंट लिए इन्होंने। और अब ये जो मसाला इन्होंने तैयार किया था मक्खन के अंदर, प्योर अमूल मक्खन के अंदर, जिसकी खुशबू मुझे लगता है आसपास के 100 मीटर की पूरे तक फैल चुकी होगी। अब इसमें डाला जाएगा। तो गुड़गांव में ऐसी कोई दुकान खुली नहीं अंडे की। क्या बात है, धीरे धीरे है ना। ओए होए 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 होए, लाजवाब। ये आ गए 10 अंडे और अब एक एक करके इसमें ब्रेड को डुबोया जाएगा। 4 ब्रेड के पीसेस आते हैं। अब इसको किया जाएगा फ्लिप। ओए होए, जैसे एकदम स्विमिंग पूल के अंदर तैर रहा है मक्खन के स्विमिंग पूल के अंदर ये ऑमलेट। और फिर से फ्लिप और दूसरी तरफ से देखो, रंगत चेकआउट करो जरा आप। ये आपकी डिश तैयार हो चुकी है सर। जी हाँ, ये है राजीव भाई जो आपको खिलाते हैं इंडिया के सबसे बड़े, सबसे लोडेड और सबसे ज्यादा हैवी ये ऑमलेट। यहाँ पे 30 अंडों तक का ये ऑमलेट बना देते हैं और यहाँ पे आपको ऑमलेट की बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती है। अगर आप भी ऑमलेट खाने के शौकीन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्वाद तो आपको आएगा ही आएगा, साथ में मजा भी बहुत आएगा। तो देखो भाई, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये बन रहा है ड्राई फ्रूट वाला ऑमलेट जिसमें 10 अंडे पड़ेंगे। और 10 अंडे पड़ने से पहले इसमें आ गई पूरी एक मक्खन की टिक्की, साथ में इन्होंने डाल दिया प्याज, उसके बाद इन्होंने डाल दिया ये टमाटर, हरी मिर्ची और ये अदरक को कद्दूकस करके। देखो ये इसमें आ गया अदरक, भाई साहब पूरी मक्खन की टिक्की आ गई। अभी आ रहे हैं अंडे और अब आएंगे इसमें 10 अंडे। जैसे कि राजीव भाई ने बताया इसमें 10 अंडे पड़ेंगे। तो देखो एक एक करके इसमें अब 10 अंडे डालने शुरू हो चुके हैं। ये आ गए 4 अंडे, 10 10। तो देखो भाई 10 अंडे इन्होंने डाल दिए हैं। अब इसको बढ़िया से जो है वो फेंटा जा रहा है। क्या बात है भाई। तो यहाँ पे देखो पैन में जो बढ़िया से इन्होंने मक्खन और बाकी की सारी चीज़ें डाली थी वो क्या इतनी बढ़िया खुशबू दे रहे हैं ना भाई साहब, मज़ेदार एकदम। ओए होए होए होए, क्या बात है, वाह। ये आ गए 10 अंडे और अब एक एक करके इसमें ब्रेड को डुबोया जाएगा। 4 ब्रेड के पीसेस आते हैं और जैसे कि राजीव भाई ने बताया कि इसमें ये 30 ऑमलेट तक बनाने का इनका रिकॉर्ड रहा है, 40 ऑमलेट तक बनाने अंडों का ऑमलेट बनाने का इनका रिकॉर्ड है। और अब इसको अच्छे से दबाया जाएगा ताकि जो अंडे हैं, जो ब्रेड है, वो बढ़िया से जो है एक साथ चिपक जाएँ और पक जाए अंडे। ये देखो अब इसको किया जाएगा फ्लिप। ओए होए, क्या बात है। ये देखो कितने बढ़िया तरीके से सिक गया एक तरफ से और अब इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेका जाएगा। यह पैन के अंदर लगभग 40 अंडों का ऑमलेट जो राजीव भाई है ना वो बना देते हैं। निकालूंगा मैं। अच्छा, अब इसको निकाल लोगे आप? अभी हाफ डाउन करेंगे। ये हाफ डाउन हो गया, निकल गया। और ये देखो अब इसमें और पड़ेगा मक्खन। अच्छा जी, तो हाफ डाउन करने के बाद फिर से मक्खन में सेका जाएगा? हाँ जी सर। अरे वाह, क्या बात है। जैसे एकदम स्विमिंग पूल के अंदर तैर रहा है मक्खन के स्विमिंग पूल के अंदर ये ऑमलेट। और फिर से फ्लिप और दूसरी तरफ से देखो, रंगत चेकआउट करो जरा आप। एकदम बढ़िया से ब्रेड के साथ करारा हो चुका है ये एक तरफ से। ये स्पेशल अपने मसाले हैं भाई साहब। अच्छा जी, तो ऊपर से ये मसाला आया, ये आया हरा धनिया और अब ये ऊपर से नींबू का रस। क्या बात है, वाह। तो ये जो ऑमलेट है 340 रुपये का रहता है अगर आप 10 अंडे का लेते हैं तो। हाँ जी सर। ये देखो, और मेरे हिसाब से अगर आपकी डाइट मेरी तरह है तो 4-5 लोग आराम से मिलकर इस ऑमलेट को खा लेंगे। तो देखिए अब इसको कट करा जा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये ऑमलेट पूरा तैयार हो चुका है तो ये तो अभी सिर्फ जैसे कि मैंने बताया ट्रेलर है। अभी आपको दिखाता हूँ कि इस ऑमलेट को बढ़िया से किस तरीके से तैयार किया जाएगा। तो ये देखिए, इन्होंने ऑमलेट को ब्रेड के साथ बना के अच्छे से उसकी कटिंग करके उसको एक बढ़िया सी प्लेट में सजाना शुरू कर दिया। ये देखो, ये ऊपर से आ गया इसमें और मक्खन। क्या बात है, वाह। ये लीजिए मक्खन दोबारा से। क्या बात है, मेरे को देखते देखते ये लगभग 200 ग्राम मक्खन तो डाल ही चुके हैं ऑमलेट में। तो 100-150 रुपये का, 100-125 का तो मक्खन ही आ गया। अब इसमें आएंगे प्याज, ये आ गई इसमें हरी मिर्ची, ये आ गई इसमें टमाटर। अब ये ऊपर की जो और गार्निशिंग है वो इसमें डाली जा रही है। ये नींबू, ये मसाला, ये हल्का सा आया इसमें नमक और ये एक और मसाला। वाह वाह, क्या बात है। और ये ऊपर से एक गार्निशिंग आ गई, ये आई ऊपर से क्रीम, भर भर के जितना मक्खन उतनी ही क्रीम। ये तंदूरी है भाई साहब, ये मिर्च सॉस आएगी।
मिर्च सॉस, मीठी सॉस, मीठी सॉस यानी कि केचप, केचप, ये पनीर। हाँ जी। अरे भाई साहब क्या बात है, तो लगभग 100 ग्राम तो पनीर ही आ गया इससे। चलो भाई, और इसमें डल गया मक्खन, और अब मक्खन के अंदर फ्राई किए जाएंगे ड्राई फ्रूट, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट वाला ऑमलेट है, तो इसमें ड्राई फ्रूट ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ये आ गए इसमें ड्राई फ्रूट, ये देखो भर भर के इसमें ड्राई फ्रूट इन्होंने डाल दिए। तो ये तैयार है भाई? हाँ भाई साहब, बस थोड़ी सी पनीर रहेगी, बस पनीर की बारिश, चीज़ की बस। वाह जी वाह, ये आपकी डिश तैयार हो चुकी है सर। तो भाई ये देखो, ये है फुली लोडेड ड्राई फ्रूट वाला ऑमलेट, 340 रुपये का, 10 अंडों का, क्या बात। और ये मिलेगा आपको राजीव भाई के पास, ये लो, डेकोरेशन में कोई कमी नहीं है, ये देखो। और एक बार खाओ भाई साहब, पैसे वसूली तो मेरा नाम नहीं, ये तो मानना पड़ेगा भाई, पैसे वसूल होंगे भाई, पैसे वसूल ऑमलेट है ये, बंदा कहेगा जितनी चीज है उससे ज़्यादा लागत है इसकी। तो भाई ये बनने जा रहा है यहाँ पे 15 अंडों का चीज़ स्पेशल ऑमलेट राजीव भाई का। तो ये देखो पूरी की पूरी जाती है इसमें पहले मक्खन की टिक्की। अरे भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया मक्खन की कोई कंजूसी है ही नहीं यहाँ पे, मक्खन की पूरी टिक्की गई इसके अंदर। उसके बाद ये आ गया इसमें कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता के बाद इसमें आ गई ये प्याज, प्याज के साथ आ गए इसमें ये हरी मिर्ची, हरी मिर्ची के साथ आ गया इसमें टमाटर, और टमाटर के साथ इसमें ग्रेट करके डाला जाएगा ये अदरक, क्या बात है। अंडे गिनो आप, अब यहाँ पे अंडे गिनना शुरू करो आप। ये एक, दो, दो, 11, 12, 13, 14 और ये लास्ट हो गया, ये लास्ट रह गया 15। 15 अंडे भाई, पूरे के पूरे 15 अंडे गिनती से इसमें आ गए। स्वाद अनुसार अपना नमक आ गया, ये नमक आ गया जी इसमें, मसाला स्पेशल वाला। और अब इसको किया जाएगा बढ़िया से फिटाई, ये देखिए। तो भाई अंडे वहाँ पे बढ़िया से फेंट लिए इन्होंने, और अब ये जो मसाला इन्होंने तैयार किया था मक्खन के अंदर, प्योर अमूल मक्खन के अंदर, जिसकी खुशबू मुझे लगता है आसपास के 100 मीटर की पूरे तक फैल चुकी होगी, अब इसमें डाला जाएगा। तो गुड़गांव में ऐसी कोई दुकान खुली नहीं अंडे की। क्या बात है, धीरे धीरे, है ना। ओए होए 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 होए, लाजवाब भाई। ये देखिए 15 के 15 पूरे अंडे इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने डाल दिए हैं, जिसके अंदर मक्खन की मात्रा भरपूर है, और इतना लाजवाब ये ऑमलेट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये आ गए इसमें 4 स्लाइस ब्रेड के। हुआ ये देखिए भाई, 4 स्लाइस इन्होंने यहाँ पे ब्रेड के ऊपर लगा दिए हैं, और अगर आपको इसमें लग रहा है कि कुछ कमी है तो ये लो, अब ऊपर से आ गया चीज़। तो ये क्योंकि बटर है, अरे वाह, ये मक्खन ही है, तो मक्खन को ग्रेट करके ऊपर से डाल दिया इन्होंने, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। अभी चीज़ के स्लाइसेस आप गिनिएगा कि इसमें कितना सारा चीज़ आता है, क्योंकि ये चीज़ स्पेशल ऑमलेट है। एक मिनट, अब इसको करेंगे यहाँ पे फ्लिप, क्या बात है, लाजवाब। ये देखो भाई, बढ़िया से फ्लिप करने के बाद, एक तरफ से पकाने के बाद, अब इसे दूसरी तरफ से जो है वो पकाया जा रहा है। ये देखिए भाई, दोनों तरफ से मक्खन के अंदर यहाँ पे 15 अंडे को इन्होंने जो है वो बढ़िया से ब्रेड के साथ सेक लिया है, और भी सेका जा रहा है ताकि थोड़ा सा भी इसमें कच्चा बनना है वो रहे ना। ये देखिए, अब भाई ऑमलेट पूरा पक चुका है जी अच्छी तरीके से, अब इसमें चलेंगे मसाले की ओर। तो ये आपका मसाला, गरम मसाला रहता है? हाँ, गरम मसाला अपने हाथ का ही है भाई साहब। क्या बात है, गरम मसाला आया जी इसमें, ये ऊपर से हरा धनिया, ये नींबू का रस, और अब इसको बढ़िया से काट के सजाया जाएगा प्लेट में। तो ट्रेलर जो है पिक्चर का वो आपने देख लिया है, अब इसकी सजावट की जाएगी। वाह, बहुत ही आला। अब ये देखिए, यहाँ ऑमलेट को प्लेट में उतारने के बाद अब इसमें करा जाएगी चीज़ की बारिश। ये देखिए, तो क्योंकि ये चीज़ ऑमलेट है तो इसमें जो चीज़ की कंजूसी है ना वो बिल्कुल नहीं करी जाएगी, भर भर के इसके अंदर ये जो मोज़रेला चीज़ है ना वो ऊपर से डाला जा रहा है। 440 रुपये का ये ऑमलेट रहता है, और भाई फुली लोडेड है, और जैसे कि मैंने बताया कि आप 5-6 लोग आराम से मिलके इस ऑमलेट की प्लेट को इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये ऊपर से चीज़ आ गया, और अब ऊपर से मक्खन की तैयारी। और ये देखिए, तो पैन में भी लिया जाएगा और मक्खन। अरे बाप रे, एक पूरी पीस का, ये देखिए फुल टिक्की इसमें और आ गई एक मक्खन की, ये मसाला, क्या बात है, लाजवाब। ये देखिए, भर भर के ऊपर से ये मक्खन तड़का आ गया इसके अंदर मसाले के साथ, और अब उसी मक्खन के अंदर आएंगे इसमें प्याज, ये आएगी इसमें मोटी वाली मिर्ची, साथ में आएंगे इसमें ये टमाटर,
और ये मसाला और ये नींबू। ये आ गया ऊपर से तड़का, ये तैयार है जी। ऊपर से क्रीम, क्रीम और चीज़ भी आएगा अभी। हैं वाह, पनीर, ये क्रीम, ये आ गया इसमें तंदूरी। वाह जी वाह, बहुत ही लाला। और ऊपर से आ गई ये केचप, मीठे सॉस, और साथ में ऊपर से आ गया चीज़, ये आ गया पनीर। पनीर, वाह। चल भाई, रेडी है जी? अभी रेडी नहीं है। अभी भी रेडी नहीं है। ऊपर से ये आ गए चुकंदर के लच्छे, साथ में ऊपर से आएगा ये लगभग 100 से 150 ग्राम का पनीर। वाह भाई, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि 440 रुपये का ऑमलेट है, कितनी सारी क्वांटिटी के अंदर इसमें इन्होंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और एकदम मतलब पूर्ति कर दी है पूरे ऑमलेट की प्लेट के साथ। और ये अगर आपने खा लिया तो सही में आपको 5 दिन तक भूख लगने वाली है नहीं। ये है स्पेशल चीज़ ऑमलेट, अगर आपने 10 मिनट खा लिया तो आपको मिलेंगे पूरे 50,000 रुपये। अच्छा जी, हाँ जी, गारंटी के साथ। आपने 10 मिनट खा लिया, 10 मिनट में अगर आपने चीज़ ऑमलेट खा लिया तो 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये। कितने अंडों का ऑमलेट है ये? 15 अंडों का ऑमलेट है। 15 अंडों का ऑमलेट है भाई। ये चैलेंज दे रहे हैं राजीव भाई कि 15 अंडों का ऑमलेट अगर आपने 10 मिनट में खा लिया तो आपको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। भाई जैसे कि राजीव भाई ने आपको बताया कि अगर आपने ये ऑमलेट 10 मिनट में खा लिया ना तो आपको 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा। 15 अंडों का ये ऑमलेट बनाया है इन्होंने और इतना ज़्यादा लोडेड बनाया है ना कि मतलब देख के मन कर रहा था कि बस फटाफट से निकले और मैं खा लूँ। लेकिन भाई ये मैं अकेले नहीं खा सकता, तो मैं ये चैलेंज भी नहीं ले सकता। ये मैं अपनी पूरी टीम के साथ इसको इन्जॉय करूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है आप ये चैलेंज ले सकते हो तो आप सेक्टर 22 में हुडा मार्केट में राजीव भाई के पास आके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और बताओ कि आप जीते या नहीं मुझे कमेंट्स में जाके। दूसरी चीज़, ये ऑमलेट बहुत ज़्यादा लोडेड है, इसमें मक्खन कम से कम 200 ग्राम इन्होंने डाला है, उसके अलावा 15 अंडे डाले हैं, उसके अलावा भर भर के इन्होंने पनीर डाला है। और सबसे अच्छी बात इस ऑमलेट की ये है कि अगर आप कैलरी की परवाह नहीं करते हो ना तो ये ऑमलेट आप खाना आपको सच में मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मैंने राजीव भाई के पास ऑमलेट आज से 7-8 साल पहले खाया था जब ये वहाँ पे थे और आज भी हैं, और अभी ये यहाँ पे आ गए हैं अपना गुड़गांव में इस ऑमलेट को लेके। मैं खाता हूँ और बताता हूँ। भरपूर 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 मात्रा में मक्खन का स्वाद आ रहा है और सच में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। जो सॉसेज हैं, जो क्रीम है, भरपूर एकदम जस्टिस कर रही है इस ऑमलेट को। अगर आप भी शौकीन हो इतना लोडेड, इतना यूनिक, इतना डिफरेंट ऑमलेट खाने के, तो सेक्टर 22 हुडा मार्केट गुड़गांव में आना। राजीव भाई की एक कार्ड लगती है शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। ये खाना और बताना आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी। एक बार लाइफ में ट्राई करना अगर आपको मेरी तरह अतरंगी चीज़ें ट्राई करना पसंद है तो, और कमेंट्स में जाके बताना यहाँ पे आके कि आपने ट्राई किया तो कौन सा वाला किया और आपको कैसी लगी मेरी ये रिकमेंडेशन। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। और ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए आपको बताया आपको कहाँ आना है स्वाद ऑफिशियल पर।